हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला जो लेक्चर है उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से हमारे पहला चैप्टर यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ओम्स लॉ, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये सभी टॉपिक्स आज हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पहले लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है, बेसिक जो आपका जो पार्ट है वो यही है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशंस आपको बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी वायर में सपोज कीजिए करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वायर में ऐसा क्या हो रहा है कि वो करंट फ्लो हो रहा है। हम ये कहते हैं कि उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो बेसिकली उसके अंदर फ्लो हो क्या रहा है, क्या चीज़ वहाँ पर फ्लो हो रही है, क्योंकि वायर तो सॉलिड पार्ट होता है मटेरियल का, उसमें क्या चीज़ वहाँ पर फ्लो हो रही है। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इज टर्म्ड एज द फ्लो ऑफ करंट, यानी अगर चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, किसी वायर में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको हम कंसिडर करें कि उस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। अब ये चार्ज क्या होता है, बेसिकली आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन्स पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, सेम अमाउंट में चार्ज निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं वहाँ पर जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो किस फॉर्म में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में फ्लो करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो वायर्स में रहते हैं, मेटल्स में जो होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स जो है वो एटम के साथ बाउंडेड होते हैं। तो प्रोटॉन्स इतना इजीली फ्लो, उसको हम फ्लो नहीं करा सकते किसी भी वायर में या किसी मेटल में। तो मेटल्स में या कहीं पर भी अगर करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली, तो वो किसकी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसको हम चार्ज कंसिडर करते हैं। तो चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और जो एक प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर भी +1.6, यहाँ पर -1.6, यहाँ पर +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज प्रोटॉन पर होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज कीजिए किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की अपोजिट होगी। अपोजिट क्यों ली यहाँ पर, क्योंकि करंट को हम फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं हुआ होता, एक्चुअल में होता क्या है, नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज किस फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो रहा है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। इसलिए जो हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होती है। यानी अगर कहीं पर भी किसी भी वायर में अगर ए टू बी करंट फ्लो हो रही है, तो बी टू ए क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, और ये क्या है, आप करंट की डायरेक्शन है। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए ये डेफिनेशन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिटरमाइंड बाई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यहाँ पर जो टर्म आया है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू यहाँ पर चार्ज है और टी क्या है, यहाँ पर टाइम। तो करंट को हम डिफाइन करेंगे I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर कोई वायर है तो उस वायर के अंदर कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, सपोज कीजिए एक मिनट में कोई अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है कुछ टाइम में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें, सपोज कीजिए डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। I इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन टी, यहाँ पर जो Q अपॉन टी लिखा हुआ है ये क्या है, एक यहाँ से एवरेज वैल्यू आएगी निकलकर, यानी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाई टोटल टाइम, यानी I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। अगर किसी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए निकालते हैं तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, या बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए निकालें उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन भी यूज़ कर सकते हैं। I इक्वल्स टू TQ अपॉन
ये भी हम यूज़ करते हैं डिफ्रेंसिएशन के लिए, जब हमें करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी होती है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू वहाँ पर फाइंड करनी होती है जहाँ पर करंट क्या होता है, टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ फ्लो हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टाइम पर करंट की अलग अलग वैल्यूज़ होती है, तो वहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करते हैं, आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। अगर हमें क्या होता है एक किसी ड्यूरेशन में, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ कंसिडर किया गया है, ये हमने कंसिडर किया है पॉजिटिव चार्ज का, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं होता, तो इसीलिए हम करंट जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं। चार्ज जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज है क्या बेसिकली, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की किसी भी पार्टिकल की उसकी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन तो चार्ज लेस है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, और इन एटॉमिक पार्टिकल्स की जो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या कह रहे हैं, चार्ज कह रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी एटॉमिक पार्टिकल्स है, लेकिन न्यूट्रॉन पर क्योंकि चार्ज नहीं होता इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिखा गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, और प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻¹⁹। ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। चार्ज की यूनिट कूलाम रहती है, तो हम कूलाम में, ठीक है। ये जो वैल्यू है 1.6, आप ये देख लीजिए, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये जो वैल्यू है इसको हम बेसिक चार्ज से डिनोट करते हैं, यानी ई से डिनोट करते हैं, ई से इसको डिनोट करते हैं। यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकते हैं, माइनस ई लिख सकते हैं, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं, प्लस ई। यानी आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो माइनस ई के इक्वल होगा, वेयर ई इज द 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो वो प्लस ई लिखेंगे, और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन मेटेलिक कंडक्टर्स, जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं वहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किसकी वजह से, फ्लो ऑफ करंट की वजह से। तो क्या करंट किसी और वजह से भी फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी और वजह से भी फ्लो हो सकता है? हाँ, देखिए जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो करके वहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की फॉर्म में वहाँ पर चार्ज फ्लो होता है, और जब चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होता है। तो जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पर फ्लो ऑफ करंट किसकी वजह से हो रहा है, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जो लिक्विड जो सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ पर जो फ्लो ऑफ करंट होता है वहाँ पर क्या होता है, किसकी वजह से रहता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने अभी बताया था कि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की किसी भी सर्किट में, वो हम अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट को कंसिडर करेंगे। अगर हमें पता है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन किया जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर की एसआई यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है, जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं। कैपिटल से इसमें से लिखते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट के नेम पर है, जो फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर है, उनके नाम पर ये इसको लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यानी अगर किसी वायर में फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो करंट हो गया वो किस फॉर्म में, यूनिट उसकी जो रिप्रेजेंट होगी वो एम्पियर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। सपोज टू कूलाम चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है, तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यानी पर सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो चार्ज वही होता है जो पर सेकंड का होता है, तो पर सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो 2 कूलम्ब पर सेकंड चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम 2 एम्पियर कहेंगे। देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। किसी कंडक्टर में जिसमें कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करने हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, सपोज कीजिए कोई कंडक्टर है हमारे पास यहाँ पर, इस तरह से कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ये मान सकते हैं, करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। तो इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो रहे होंगे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है। तो यहाँ पर करंट आगे की तरफ फ्लो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, पीछे की तरफ फ्लो रहे हैं। तो अगर ये करंट 1 एम्पियर है, यहाँ पर करंट की वैल्यू अगर 1 एम्पियर कंसीडर की जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, कितना, 1 सेकेंड में, यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्रॉस करेंगे, यानी क्रॉस सेक्शन एक कोई भी एक यहाँ पर हम एक लाइन कंसिडर कर सकते हैं, यानी इस लाइन को कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास कर कर जाएंगे 1 सेकेंड में, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस करेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, या I इक्वल टू Q अपॉन T इसको लिख सकते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T। अब देखिए यहाँ पर I की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 एम्पियर है, Q की वैल्यू हमें पता करनी है कितना चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा। अगर हमें चार्ज का पता लग जाए तो हम ये बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, पास करेंगे इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स। आई की वैल्यू अगर 1 एम्पियर है तो चार्ज कितना हो जाएगा, एक टी की वैल्यू 1 सेकंड है, आई की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, टी की वैल्यू 1 सेकंड, तो जाहिर सी बात है क्यू इक्वल टू यहाँ पर आई टी से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा इस कंडक्टर के थ्रू इन 1 सेकेंड, यानी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है उसको 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज क्रॉस करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मान लो ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 सेकेंड में क्या होगा कि बी से ए तक 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी क्रॉस सेक्शन पर देखेंगे तो 1 कूलाम चार्ज जो है वो उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड वहाँ पर फ्लो हो रहा है, अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 2 कूलाम चार्ज पर सेकेंड फ्लो। अब यहाँ पर बात आती है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता करने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहे हैं, हमें चार्ज नहीं पता करना, चार्ज तो पता करना था पहले, लेकिन चार्ज से ही हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो रहे हैं। तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻³ कूलाम, यानी इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी हम कह सकते हैं कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन पर 1 कूलाम चार्ज होगा, कितने इलेक्ट्रॉन पर 1 कूलाम चार्ज होगा, उससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्यू इक्वल्स टू एन ई। ये फॉर्मूला आपने बेसिक 12th में पढ़ा होगा, क्लास 12th में, यानी ये टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो उसको ई से मल्टीप्लाई करके, ई क्या है, बेसिक चार्ज होता है, क्योंकि हमें साइन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें नंबर्स निकालने हैं, तो नंबर्स तो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी नंबर है वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, अगर हमें कोई क्वांटिटी फाइंड करनी है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे, तो Q इक्वल्स टू एन ई से यहाँ पर हम अप्लाई करके N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 कूलाम, चार्ज कितना है 1 कूलाम,
और ई बेसिक चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई ई, या क्यू की वैल्यू रख देंगे 1.6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में क्रॉस करेंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन को कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में क्रॉस कर रहे होते हैं जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और वो करंट कितना है 1 एम्पियर का है। तो 1 एम्पियर के करंट में क्या होगा, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। 10 टू द पावर 18 एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा करंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखिए, किसी भी वायर में हम कहते हैं कि इसमें डीसी करंट फ्लो कर रहा है, और किसी में कहते हैं कि इसमें एसी करंट फ्लो कर रहा है। जनरली जो डीसी करंट है, जैसे कि जो बैटरीज होती है, छोटी जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं, या जो इन्वर्टर की बैटरीज होती है, वहाँ पर डीसी करंट फ्लो करता है। लेकिन जो घरों में जो सप्लाई होती है, जो होम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जो हमारी जो मेन लाइन से जो इलेक्ट्रिक पोल से जो सप्लाई आती है, वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की एसी सप्लाई होती है। ठीक है, 220 वोल्ट कितनी रहती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की एसी सप्लाई रहती है, अल्टरनेटिंग करंट या एसी सप्लाई रहती है। और जो डायरेक्ट करंट होता है, वो हम घरों में जो बैटरीज हैं उसमें यूज़ होती है, जो आपका इलेक्ट्रिक सेल जो बेसिक सेल होता है, जो आप उसमें भी लगते हैं लगाते हैं, जो घड़ी होती है, क्लॉक्स होती है, उसमें भी यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी सेल का यूज़ होता है। रिमोट कंट्रोल में सेल का यूज़ होता है, जो टीवी के या उसके जो रिमोट होते हैं, एसी के रिमोट है, उसमें भी क्या होता है, सेल्स का यूज़ होता है। तो वो सब डीसी सप्लाई दे रहा है, में एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव, यानी डीसी की पहचान है एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। पॉजिटिव टर्मिनल को आपको पॉजिटिव जो वायर है जो भी सप्लाई का, वहां पर आपको पॉजिटिव से ही कनेक्ट करना होगा, और जो नेगेटिव वायर है उसको न्यूट्रल वायर जो नेगेटिव रहेगा उसको नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा। तो अगर उसको आप कनेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, उसकी जो सारी फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हो सकता है सर्किट डैमेज भी हो जाए। ठीक है, तो डीसी करंट होता क्या है, बेसिकली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीसी करंट या डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता, इसी को हम क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये एक ग्राफ प्लॉट किया गया है बिटवीन वोल्टेज एंड टाइम। यहाँ वोल्टेज एंड टाइम कह सकते हैं, या करंट एंड टाइम भी कह सकते हैं, वोल्टेज की जगह करंट भी हो सकता है, यहाँ पर वोल्टेज भी, यानी इसकी वोल्टेज या करंट जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती, इसी को हम डीसी करंट कहते हैं। अगर वोल्टेज या करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे या एसी करंट कहेंगे। तो वोल्टेज या टाइम यहाँ पर एक तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका वोल्टेज पॉजिटिव रहता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका वोल्टेज नेगेटिव रहता है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, और ऑल द टाइम इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट बनी रहती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वायर है, इसका टर्मिनल ए और इसका टर्मिनल बी, तो इसमें जो ऑलवेज करंट की वैल्यू है वो क्या हो रही है, ए टू बी फ्लो हो रही है। किसी भी टाइम पर ऐसा नहीं होगा कि बी टू ए करंट यहाँ पर फ्लो होगा, तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, के नाम से ही पता चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब ये अल्टरनेट इसकी वैल्यू होती है, कुछ टाइम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, तो कुछ टाइम के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये करंट ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, एक का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज हो या करंट हो, दोनों को हम क्या कहेंगे, डीसी करंट या एसी करंट से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो। ठीक है, तो डीसी करंट, इसको एसी करंट, डीसी करंट या एसी करंट, यहाँ पर एसी करंट की बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। पहले धीरे धीरे इंक्रीज करता है, फिर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, फिर जीरो पर आएगा,
फिर डिक्रीज करेगा, जीरो मैक्सिमम होगा और फिर ये इंक्रीज करेगा। तो अब ये डिक्रीज जीरो तक तो आ गया, जीरो से फिर और डिक्रीज कैसे होगा? देखिए करंट या वोल्टेज यहाँ पर जीरो था, जीरो से इंक्रीज हुआ और फिर ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यहाँ पर पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया। अब इसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पर आ गए। अब यहाँ से जीरो हो गया तो जीरो से और नीचे कब होगा, नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ यहाँ तक करंट ए टू बी फ्लो कर रहा था, सपोज कीजिए यहाँ जो करंट था वो ए टू बी फ्लो कर रहा था किसी वायर में, इस वायर में अगर किसी टाइम ड्यूरेशन तक ए टू बी करंट फ्लो कर रहा है, ए टू बी फ्लो कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर तो ए टू बी है, लेकिन जब ये नेगेटिव पार्ट पे आएगा तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी टू ए हो जाएगी। अरे बस सुन, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑल द टाइम ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ टाइम के लिए ए टू बी और फिर कुछ टाइम के लिए क्या होगा, बी टू ए फ्लो होगा, और फिर उसके बाद फिर से इसी साइकिल को रिपीट करता है, फिर ए टू बी करंट फ्लो होगा, इंक्रीज करेगा और फिर ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा और फिर बी टू ए। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, इसको नेगेटिव, ये कंप्लीट साइकिल फॉर्म करती है, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल ये फॉर्म कर रही है, यानी एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, जितने टाइम के लिए ए टू बी फ्लो हो रहा है और फिर कुछ टाइम उतने ही टाइम के लिए बी टू ए फ्लो होगा, फिर उस पोर्शन को फिर से ये रिपीट करती है प्रोसेस को। तो ये वन साइकिल कहलाती है, क्या कहलाती है, वन साइकिल, इसको वन साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाली नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर दोबारा से ये वाली साइकिल फिर दोबारा से रिपीट होगी और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल बाद आगे रिपीट होगी। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट करंट में अगर करंट फ्लो कर रही है या वोल्टेज अप्लाइड है तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जीरो तो मतलब फिर उसमें करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, अगर है तो वो वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। लेकिन जो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, वहां पर क्या होगा, वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी क्या हो रही है, उसकी लगातार चेंज हो रही है। कुछ टाइम के लिए ए टू बी फ्लो होगी करंट और कुछ टाइम के लिए फिर बी टू ए करंट फ्लो होने लगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट का? देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी एलिमेंट की या किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, चाहे किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे कि इस बोर्ड पर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस बोर्ड पर यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको बताना है। तो इसी तरह से कोई सर्किट है तो उसमें कोई कंडक्टर हो सकता है, तो उस कंडक्टर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल आपको बताना होता है कि उस पॉइंट का कितना पोटेंशियल, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, इस वायर का एक पॉइंट ये वाला होगा ए और दूसरा पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जिसको हम वी ए से लिखेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम वी बी से लिखेंगे। तो हर एक पॉइंट का अपना पोटेंशियल अलग होता है, तो ये एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी। तो डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, यानी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी अगर ए का पोटेंशियल आपको 1 वोल्ट है, इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट इसकी वोल्ट होती है, यानी सपोज कीजिए पॉइंट ए का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब किसी 1 कूलम के चार्ज को ए तक लाने में, कहाँ से, इन्फाइनाइट से। इन्फाइनाइट वो पॉइंट कंसिडर किया जाता है जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है, यानी ऐसा रीजन जो जीरो पोटेंशियल पर है उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट या जीरो पोटेंशियल से अगर किसी 1 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाया जाए तो उस पर क्या होगा, जो वर्क करना होगा, जो वर्क किया जाएगा वहाँ पर, वर्क डन जो होगा, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ही पॉइंट बी तक अगर ला रहे हैं तो उसका जो पोटेंशियल होगा, उसका जो वर्क डन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी।
सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास 2 कूलम चार्ज है और इसको हम पॉइंट ए तक ला रहे हैं और हमने जो वर्क किया सपोज कीजिए 5 जूल वर्क। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 कूलम चार्ज को यहाँ से इनफाइनाइट से, ये टर्म इनफाइनाइट है जीरो पोटेंशियल, ये टर्म फाइनाइट, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पर इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट मतलब जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसी चार्ज को, कोई भी चार्ज हो सकता है, किसी भी अमाउंट का कोई चार्ज हो सकता है, तो 2 कूलम का चार्ज है उसको पॉइंट ए तक लाए, तो कितना वर्क करना पड़ा, 5 जूल, ये आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो किसी क्यू कूलम के चार्ज को सपोज कीजिए, क्यू कूलम का जो कि 2 कूलम का चार्ज है, उसको लाने में कितना वर्क करना पड़ा यहाँ पर, डब्ल्यू वर्क हमने यहाँ पर किया। तो इसका पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 कूलम चार्ज को लाने में 5 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5/2 यानी 2.5, तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ, 2.5। तो एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पर पोटेंशियल के लिए हम निकालते हैं, P इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, पोटेंशियल इक्वल्स टू W अपॉन क्यू, यानी जो वर्क करना पड़ रहा है, जितना वर्क किया जा रहा है उसको हम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज से डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की। तो जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पर 5/2 करेंगे तो 2.5 वोल्ट, VA की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 वोल्ट। इसी तरह से VB की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट की वैल्यू, किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उस पॉइंट तक लाने में वर्क डन और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, वर्क डन को क्यू से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। इसीलिए पोटेंशियल की जो यूनिट होती है उसको हम यहाँ पर जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम, कूलाम जो है वो चार्ज की यूनिट है, जूल वर्क की यूनिट है, तो जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट भी, वोल्ट या जूल पर कूलाम इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ द टू पॉइंट, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं, यानी दोनों टर्म अलग अलग नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में इसको डिफाइन किया जाता है, इस सिंगल पॉइंट में हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर सिंगल पॉइंट का, सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल होगा, और अगर किन्हीं दो पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू फ्लो द करंट इन द सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ही जरूरत पड़ती है। किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट पर अप्लाई है। यानी दो पॉइंट के बीच में करंट तभी फ्लो करता है जब वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट फ्लो नहीं होगा। देखिए किस तरह से, मान लीजिए ये वायर है, इसका पोटेंशियल ए का पोटेंशियल वी ए अभी बताया था, और इस पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, वी बी। तो अगर वी ए और वी बी को बराबर कर दे तो यहाँ पर जो करंट होगी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, आई क्या रहेगा, जीरो रहेगा, एफ वी ए इक्वस टू वी बी। यानी अगर दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है, जो पोटेंशियल वी ए का है वही पोटेंशियल वी बी का है, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पर क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं कर सकती, यानी आई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी अगर पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, तभी क्या होगा, करंट फ्लो कर सकता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा किसी भी सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो या तो हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, यानी दो पॉइंट के जो पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। अगर हम वर्क के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करें, इसको एक्सप्लेन करें, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
कोई चार्ज क्यू चार्ज यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, क्यू चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। देखिए पोटेंशियल की डेफिनेशन में चार्ज को हम इन्फिनिटी से मूव करा रहे थे, यहाँ पर हम चार्ज मूव करा रहे हैं किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक। तो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होता है, यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होता है, वही क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन दो पॉइंट का। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो टर्म्ड एज वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट होती है। ठीक है, इसके बाद है ओम्स लॉ, बेसिक्स है बिल्कुल, जो वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप को यहाँ पर शो करता है। देखिए कोई रजिस्टिव एलिमेंट है, कोई कंडक्टर हो सकता है, उसकी कुछ रजिस्टेंस हो सकती है। अगर वहाँ पर हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया है, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको अगर हम वोल्टेज अप्लाई किया है तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होने लगती है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द रजिस्टर। यानी किसी भी रजिस्टर में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगी, ये वाली जो वी आर वोल्टेज यहाँ पर डेवलप हो रही है, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द रजिस्टर। यानी एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगी, वोल्टेज रहेगी। यानी वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो वी इक्वल्स टू आई इंटू आर हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। R यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस हम आगे स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है। ठीक है, कितना क्लियर है, किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट के प्रोपोर्शनल ही उसका वोल्टेज रहेगा, V इक्वल्स टू आई आर, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। अब देखिए रजिस्टर होता क्या है, रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट फ्लो का अपोज करता है। यानी एक ऐसा एलिमेंट जो पर्टिकुलरली हम जो सर्किट में अप्लाई करते हैं वो करंट को अपोज कराने के लिए, यानी कि करंट को मिनिमाइज कराने के लिए, करंट को कम करने के लिए हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। रजिस्टर इज द एलिमेंट विच इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर बाई विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट कॉल्ड रजिस्टेंस। देखिए रजिस्टर और रजिस्टेंस अलग अलग वर्ड है, ये वर्ड है रजिस्टर और ये है रेजिस्टेंस। तो देखिए रजिस्टर तो वो एलिमेंट है जो करंट को, फ्लो ऑफ करंट का अपोज कर रहा है, और उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस है। यानी ये यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है और इसकी जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस कहलाएगी। जैसे मान लो ये 20 ओम का रजिस्टर है तो 20 ओम इज द रजिस्टेंस की क्या होगी, रजिस्टेंस होगी। एलिमेंट को रजिस्टर कहेंगे और जो वैल्यू रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, रजिस्टेंस कहेंगे, माइनस का डिफरेंस है। द ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टर रजिस्टेंस इज ओम। रजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, 20 ओम। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा वोल्टेज अगर निकालना है किसी रजिस्टर के अक्रॉस तो वी इक्वल टू आर इंटू आई या आई इंटू आर, जो अभी ओम्स लॉ से हमने स्टडी किया था। और करंट निकालना है तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। यानी अगर यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना है तो वी इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी करंट मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एंड करंट निकालनी है यहाँ पर तो करंट अक्रॉस द रजिस्टर, करंट थ्रू द रजिस्टर इज वोल्टेज डिवाइड बाई रजिस्टेंस। यहाँ पर वी आर क्या शो कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर को आर से डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी, और अगर आई और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है इंडक्टर एल। इंडक्टर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी सर्किट में करंट के चेंज का अपोज करता है। देखिए रजिस्टर और इंडक्टर में क्या डिफरेंस है, रजिस्टर बेसिकली क्या है, करंट को अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, और जो करंट की जो एनर्जी लॉस करता है वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को लॉस करता है। ठीक है, इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी लॉस नहीं होती है, एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में, मैग्नेटिक सर्किट की फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इंडक्टर इज एन एलिमेंट विच स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, उसको क्या करता है, पूरी तरह से लॉस नहीं करता। जबकि रजिस्टर क्या करता है, वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को लॉस कर देता है, फिर उसको हम रिकवर नहीं कर पाते।
लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी को स्टोर करता है जो कि रिकवर हो जाती है, यानी इसमें जो पावर लॉस होता है वो जीरो होता है। अगर प्योर इंडक्टर है वहाँ पावर लॉस क्या रहेगा, जीरो रहेगा, एनर्जी लॉस या पावर लॉस जीरो रहेगा। और अगर रजिस्टर है तो वहाँ पर एनर्जी लॉस होता ही रहेगा। इंडक्टर बेसिकली करता क्या है, फ्लो चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर बाई वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का चेंज करना है, तो मान लो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और उसे हम क्या करना चाहते हैं, 5 एम्पियर करंट करना चाहते हैं, तो 2 से 5 एम्पियर करंट यानी 2 एम्पियर से 5 एम्पियर करंट अगर हम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर उस चेंज करने को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, यानी उस चेंज का अपोज करता है। करंट अगर चेंज होने की कोशिश करती है तो उसका ये अपोज करता है इंडक्टर। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट है इंडक्टेंस, जो इंडक्टेंस की जो SI यूनिट है इसको हम क्या कहते हैं, हेनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S से इसको डिनोट करेंगे। ए वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ व्हेन ट्विस्टेड इनटू ए कॉइल इट बिकम्स एन देखो इंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, एक सीधा वायर था, स्ट्रेट वायर, इस स्ट्रेट वायर को आपने क्या कर दिया, ऐसे ट्विस्ट कर दिया। सीधे वायर को अगर आप ऐसे ट्विस्ट कर देंगे तो कॉइल की फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम सिंपल सा ये एलिमेंट है एक स्ट्रेट वायर अगर आप इस तरह से बेंड कर देंगे, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने 2 या 3 टर्न करे वो इंडक्टर बन गया, 2-3 से भी हो सकता है, बट फिर आपको करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रखनी होगी। किसी वायर को अगर हम इस तरह से कॉइल की फॉर्म में बेंड कर देंगे तो दैट विल फॉर्म एन इंडक्टर। इसके वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, अगर एक वोल्टेज एक इंडक्टर है उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है तो डायरेक्टली LdIdt से निकालेंगे, वेयर L इज द इंडक्टेंस, एन क्या है यहाँ पर इंडक्टेंस है उसका इंडक्टर। जैसे रजिस्टर की प्रॉपर्टी रजिस्टेंस होती है, इसी तरह से इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, इसको कैपिटल L से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर V इक्वल टू LdIdt से करंट करेंगे। अगर हमें करंट फाइंड करना है तो इसका रिवर्स कर देंगे, वोल्टेज का इंटीग्रेशन कर देंगे, वोल्टेज का इंटीग्रेशन करके हमें करंट मिल जाएगा, करंट को डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है, वोल्टेज का इंटीग्रेशन करने से हमें करंट मिल जाएगा। इसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ये वाली टर्म कांस्टेंट टर्म और ऐड करनी पड़ेगी जो कि इसकी इनिशियल कंडीशन होती है। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, जो किसी भी इंडक्टर में मान लीजिए हमने करंट फ्लो करना किया और टी इक्वल टू जीरो से या टी नॉट से टी तक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो टी नॉट से पहले जो करंट फ्लो कर रहा था वो भी इसमें ऐड करना होगा, उसको हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप है बिटवीन इंडक्टर, वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप ऑफ इंडक्टर। कॉइल ऑफ एंट्रेंस देखिए, आप ये देख सकते हैं ये जो कॉइल ऑफ एंट्रेंस है इसी को इंडक्टर, इसका सिंबल भी है, इसको हम देखिए रजिस्टर का सिंबल इस तरह से अगर हम बनाएं ये रजिस्टर कहलाएगा, और इस तरह से अगर फॉर्म करें ये क्या हो जाएगा, इंडक्टर बन जाएगा, और अगर हम ये फॉर्म कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, कैपेसिटर आर एल और सी। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर भी एक तरह का एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक। इंडक्टर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड में करता है, कैपेसिटर किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द कैपेबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन, यानी उस कैपेसिटर की वो प्रॉपर्टी जितना कि वो स्टोर चार्ज को स्टोर कर सकती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतनी ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जितना कम चार्ज स्टोर होगा उतनी ही कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। जो SI यूनिट होती है कैपेसिटेंस की उसको हम फेरेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी SI यूनिट इज फेरेड, कैपिटल F से इसको रिप्रेजेंट। कैसे फॉर्म करते हैं कैपेसिटर, जैसे इंडक्टर हमने स्ट्रेट वायर था उसको बेंड कर दिया रिंग की फॉर्म में, कॉइल की फॉर्म में, तो वो इंडक्टर बन गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है,
यहाँ पर हमें दो पैरेलल प्लेट्स मेटेलिक प्लेट्स लेनी होती है, उसके अंदर या तो डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं या नहीं भी भरते, कभी कभी क्या होता है उसको एयर से भी एयर फील्ड भी रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, कैपेसिटर बन जाता है। यानी दो प्लेट्स लिए आपने, पैरेलल प्लेट्स, तरह से प्लेट्स ये हैं पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट्स आपने ली और इसको एक वायर का टर्मिनल इधर एक इधर, और इसके बीच का जो स्पेस है यहाँ पर या तो कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल या तो भर देते हैं, और अगर नहीं भी लिया तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली एयर रखेंगे इसके अंदर, एयर या वैक्यूम भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो ये कैपेसिटर बन जाता है। इसका जो सिंबल है वो सिंपल, ये दो पैरेलल प्लेट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट, तो ये कैपेसिटर का सिंबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप क्या होगी कैपेसिटर की, देखिए वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट को इंटीग्रेट करते हैं और ये इनिशियल कंडीशन भी ऐड करनी होती है। इनिशियल कंडीशन मतलब टी नॉट से पहले की जो वैल्यू है वो वहाँ पर प्लस करेंगे, अगर वोल्टेज है स्टोर है पहले से ऑलरेडी तो वो क्या होगा यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, यानी इनिशियली अगर इनिशियल कंडीशन देखें किसी इंस्टेंट पर, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इनिशियल कंडीशन कहलाएगा, टी नॉट से पहले वाली जो वैल्यू। इसी तरह से करंट अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को डिफ्रेंशिएट करना होगा, वोल्टेज को डिफ्रेंशिएट करके हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और करंट को इंटीग्रेट करके हम अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वी इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन आई टी प्लस वी टी नॉट। ये वी टी नॉट इज द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वैल्यू है इसकी वोल्टेज की। अगर मान लो कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं है तो इसको हम जीरो रख सकते हैं, इनिशियल कंडीशन यहाँ पर जीरो कर सकते हैं अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर इनिशियली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग वी नॉट की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। करंट अगर फाइंड करनी है तो सिंपली सी डी वी अपॉन डी टी, यानी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे वोल्टेज को, उससे हम करंट निकाल सकते हैं। वेयर सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस को हम सी से लिखते हैं जिसकी यूनिट क्या है, फेरेड है। में एक रिलेशन और होता है सी में, यानी सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी या क्यू इक्वल टू सी वी, यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन द सॉरी जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन द वोल्टेज, ये टोटल चार्ज अगर हमें फाइंड करना है तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसकी वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में आपको दिखाया गया है, यानी टोटल जो समराइज है समरी के फॉर्म में इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने शो की गई हैं किसकी, रजिस्टर की, इंडक्टर की, कैपेसिटर की, ठीक है। ये रजिस्टर की प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम रजिस्टर की बात करें तो ये पूरा जो कॉलम है ये रजिस्टर का है, ये वाला फर्स्ट कॉलम, दूसरा कॉलम क्या है इंडक्टर का है, और तीसरा कॉलम क्या है कैपेसिटर का है। देखिए रजिस्टर के जो वी आई रिलेशनशिप है दैट इज वी इक्वल टू आर आई, करंट अगर फाइंड करनी है तो वी अपॉन आर करेंगे, पावर फाइंड करनी है तो वी इंटू आई कर सकते हैं या आई स्क्वायर आर कर सकते हैं या वी स्क्वायर अपॉन आर भी कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड जीरो होती है, यानी कोई एनर्जी स्टोर्ड इसमें नहीं होती, कोई भी एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पर नहीं होती है, W इक्वल टू जीरो। सीरीज कनेक्शन, अगर हमें दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा कनेक्ट करने हैं, तो क्या होगा, इसकी टोटल जो रेजिस्टेंस निकाली जाएगी उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरह से हम इसको आर इक्विवेलेंट करते हैं। अगर दो रजिस्टर यहाँ पर पैरेलल में लगे हुए हैं तो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू कर सकते हैं, दो से ज़्यादा अगर है तो हम इसका रेसिप्रोकल ऐड करते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, सपोज कीजिए दो से ज़्यादा रजिस्टर यहाँ पर पैरेलल में लगे आर वन आर टू आर थ्री, इस तरह से पैरेलल में आर फोर एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं, मान लो ये आर वन है आर टू आर थ्री आर फोर, तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टर, यानी इस पूरे सर्किट को हम सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर इस सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस से तो वो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
इन चार रेजिस्टेंस की बजाय या पांच रेजिस्टेंस की बजाय हम एक सिंगल रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट यानी रेसिप्रोकल जो होता है वो इनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से ये जाएगा, 1/R4 1/R5 जितने भी होंगे। तो ये इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, टू के लिए हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं R1 R2 R1 प्लस। ठीक है, स्टेडी स्टेट बिहेवियर इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी V इक्वल टू आर आई रहता है, ये इसका स्टेडी स्टेट बिहेवियर है। इसी तरह से इंडक्टर है, इंडक्टर के लिए वोल्टेज निकालना है तो LdIdt और करंट निकालना है तो 1L V + it0t इनिशियल कंडीशन ऐड करते हैं। ठीक है, पावर फाइंड करनी है तो V इंटू आई करना पड़ेगा, यानी V की I से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए वोल्टेज तो LdIdt है, इसको I से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो LidIdt। एनर्जी स्टोर्ड होती है 1/2 Li2। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा रेजिस्टेंस का होता है वैसा ही क्या होता है इसमें इंडक्टर का होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस में यूज़ करते हैं वही सेम थिंग यहाँ पर इंडक्टर L1 + L2। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सेम रहेगा, L1 L2 / L1 + L2। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इनिशियल कंडीशन अगर इसकी बात करें तो इनिशियली ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर इनिशियली शॉर्ट सर्किट यानी V इक्वल टू जीरो रहता है, इनिशियली क्या रहता है V इक्वल टू जीरो, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर इनिशियली क्या रहेगा, इनिशियल कंडीशन है इसकी, इनिशियल कंडीशन तो ये क्या होगा स्टेडी स्टेट बिहेवियर में इनिशियली V इक्वल टू जीरो रहेगा फॉर शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर क्या रहेगा V इक्वल टू आर आई, बट यहाँ पर V इक्वल टू जीरो और यहाँ पर I इक्वल टू जीरो रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा इनिशियली। यानी अगर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं किसी भी रजिस्टर या किसी भी इंडक्टर के क्रॉस, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो वो इनिशियल कंडीशन कहलाती है। तो उस कंडीशन पर जबकि एक अनचार्ज रजिस्टर या अनचार्ज कैपेसिटर है और जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया उसको सप्लाई से ऐड जोड़ा है तो वहाँ पर उस इंस्टेंट पर वोल्टेज क्या रहेगा, इनिशियली जीरो रहेगा। रेजिस्टेंस में तो V इक्वल टू आर आई हो जाएगा तुरंत, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वोल्टेज जीरो रहेगा, यहाँ पर इनिशियल करंट जीरो रहेगा। ठीक है, कैपेसिटर में क्या होगा, वोल्टेज निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे 1/C इंटीग्रेशन IT dt, और अगर हमें करंट निकालना है तो CdV/dt से निकालेंगे। यानी वोल्टेज का डिफ्रेंशिएशन करके हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज को फाइंड करना है तो करंट को इंटीग्रेट करना होगा, उसमें इनिशियल कंडीशन ऐड करनी होगी। पावर निकालनी है तो P = VI, फिर से वही, यानी वोल्टेज तो यह है ही हमारे पास, I की वैल्यू है CdV/dt, इसमें हम क्या करना है V की मल्टीप्लाई और कर देते हैं। एनर्जी स्टोर्ड 1/2 CV² होता है और इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो इसका अपोजिट होता है, यानी जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या रहेगा, जो इंडक्टर के लिए पैरेलल यूज़ कर रहे थे या रजिस्टर के लिए जो पैरेलल यूज़ कर रहे थे वो कैपेसिटर के लिए सीरीज में हो जाएगा, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज का इक्वल होता है रजिस्टर का। जैसे सीरीज करते हैं R1 + R2 हो जाएगा C+। तो ये इसका एक ब्रीफ समरी है, रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है सक्सेस क्लासेस एजुकेशन, जहाँ पर आप फुल कोर्स जो है उसको जो पेड कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐप डाउनलोड कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।